देखिए, फाइंड आउट स्टेडी स्टेट करंट इन द 4 ओम रेजिस्टर। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? देखो, स्विचेस बीच भी नहीं लगा रखा है इसने, बोल भी रखा है स्टेडी स्टेट पर इसमें करंट कितना चले। ठीक है, तो करंट स्टेडी स्टेट पर कैसे घूमेगा सबको बताया मैंने, इस तरीके से घूमेगा। इस कैपेसिटर वाली ब्रांच से नहीं जाएगा, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैपेसिटर पर चार्ज जीरो होगा स्टेडी स्टेट पर। ये गलती कोई नहीं करेगा, चार्ज वही रहेगा, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वीसी माइनस वीडी, क्योंकि इसमें जब करंट नहीं है तो इसका रोल खत्म हो गया। ठीक है ना, स्टेडी स्टेट पर इस 8 ओम वाले का रोल खत्म है। आपसे पूछे स्टेडी स्टेट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वीसी माइनस वीडी। ठीक है ना, स्टेडी स्टेट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वीसी माइनस वीडी कैपेसिटर के अक्रॉस। क्लियर है बात? तो सबसे पहले ऐसे करंट चल रहा है तो इतने बुरे दिन है कि हम ये करंट नहीं निकाल पाए, बताइए। इस तरीके से सीधा सीधा करंट चल रहा है तो क्या हम इसमें ये करंट नहीं निकाल सकते? 4 और 4/3 रिजल्टेंट कितना होता है पैरेलल में? 1 ओम लग जाता है इसकी जगह से। ठीक है ना, इसकी जगह 1 ओम लग जाता है, पैरेलल है ना। R1 R2 upon R1 plus R2, तो 1 और 3 4 हो गया, तो 8 upon 4 2 एम्पियर करंट चल रही है बाहर। ठीक है, 2 एम्पियर करंट चल रही है। और यहाँ पर आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दोगे उसको। देखो, ये 2 एम्पियर करंट बाहर घूम रही है इसमें, और इसमें आप इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। आपसे किस में पूछिए? 4 ओम में पूछिए, क्या 4 ओम वाले में पूछिए। ठीक है ना, तो 1:1/3 है, तो उल्टा कर दो, 1:3:1 में डिवाइड कर। ठीक है, अब कोई ऐसे करता है तो मुझे कोई बुराई नहीं है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दे, तो I1 × 4 = I2 × 4/3। उसको रेशियो में डिवाइड करना नहीं आता, वो ऐसे करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेशियो इतना आना चाहिए, नहीं आता तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे कर लो, ठीक है ना, I1 × 4 = I2 × 4/3, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और I1 + I2 आप ऐसे सॉल्व कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आता है रेशियो में डिवाइड करना, कि इसका रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:3:1, तो उल्टा कर लो, 1:3:1, तो I कितना हो जाएगा इसमें? 1/3 upon 1 + 1/3। वो ऐसे कर ले, जिसको नहीं आता वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर करे, बट गलती ना करे कुछ। ठीक है, क्लियर है अयान? बिल्कुल ठीक है आपका, वेरी गुड। तो आपने करंट निकाल ली बेटा, ठीक है ना, अब आपने करंट निकाल लिया। पूछा आप पे इस पे कितना चार्ज है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल पे कौन सा होगा? इधर ही जा रहा है, तो ये पी वी पी इज ग्रेटर देन वी क्यू, कितना हो जाएगा? वी पी माइनस वी क्यू, उससे निकाल लो आई इंटू आर। ये आर कितना है? 1 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, क्या बताओ? यस सर, यस सर। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? सी इंटू वीपी माइनस वी क्यू, तो ये 2 × C आ गया। अब कैपेसिटेंस कितना दे रखा है इसका? 0.5 माइक्रोफेरेड। देखो, इतनी सी बात है बस, और कोई बात नहीं है। पूरा जो ये समझ रहा है उसको आगे भी समझ में आएगा, सब में सेम चीज है। इतनी सी बात अप्लाई करनी कि स्टेडी स्टेट है या जस्ट आफ्टर है, उसको देख के ध्यान से केवीएल या नोडल जैसे आप करना चाह रहे हैं अप्लाई करो। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है इसमें आरसी सर्किट, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आई को करंट को डिवाइड कर लिया, तो आपका I1 0.5 एम्पियर आ गया। तो स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2 × C, C 0.5 है, तो कितना आ गया आपका? 1 माइक्रो कूलम आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो कुछ लिखा ही नहीं इसने, कुछ नहीं लिखा, क्या निकालना है? तो क्या बोलेंगे आप, क्वेश्चन छोड़ देंगे? ये तो बताया नहीं कि किस टाइम पे निकालना है, ऐसे करेंगे क्या आप, बताइए? या आप क्या समझेंगे? आपसे पूछा हाँ, स्टेडी स्टेट मान लेंगे डिफॉल्ट केस, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि स्विच विच भी नहीं दिखा रखा, तो सीधा बोल रखा है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप क्या मान लेंगे? स्टेडी स्टेट मान लेंगे इसको, ठीक है। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए एंड बी, तो उसको अटेम्प्ट करो एक बार सब, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको अटेम्प्ट? देखो, आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस तरह से सोचते जाइए, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, और आपको ये पता है कि इधर से कोई करंट नहीं जाएगी, तो कोई रास्ता है भी या करंट के लिए? सारे ब्लॉक हो गए, ये रास्ता दिख रहा है ना, जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, बताओ? इसमें तो कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो इसमें करंट चलता रहेगा। यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा दोगे तो करंट चलेगा ही, स्टेडी स्टेट पर पूरे सर्किट में करंट क्या होगा? 0 होगा। बट बिना कैपेसिटर को इन्वॉल्व किए हुए एक रास्ता दिख रहा है, तो ऐसे करंट चल रहा होगा इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से करंट चल रहा हो, ठीक है। तो आप क्या निकाल लेंगे? ये VD माइनस VB निकाल सकते हैं,
ए और बी के बीच में निकालना है तो आप ऐसे करो, पहले वी डी माइनस बी ए निकाल लो, वी डी माइनस वी बी निकाल लो और सब्ट्रैक्ट करो, कर सकते हैं ऐसा। तो बताओ करंट कितना है, देखो करंट निकाल पाएंगे आप इसमें, 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट चल रहा है क्या? यस इसमें यस सर, वेरी गुड बेटा, 2 एम्पियर करंट चल रहा है, सब देख रहे हैं 2 एम्पियर करंट चलता हुआ इसमें, ठीक है, ये 2 एम्पियर करंट चल रहा है। तो आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बट आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट खत्म हो चुका है, सब कुछ आता है, गलती होना अगर ढंग से करें तो इम्पॉसिबल ही है, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो वी डी माइनस वी बी कितना हो गया, वी डी माइनस वी बी कितना हो गया, 2 × 6 तो 12 वोल्ट हो गया कि नहीं बताओ, क्लियर है। आप इधर कैसे लिखोगे, आप इधर कैसे लिखोगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो उसके लिए कैपेसिटर पे चार्ज, हाँ चार्ज पता होना चाहिए ना नहीं रयान, बताओ कैसे करेंगे, कैपेसिटर पे चार्ज पता होना चाहिए उसके लिए। दोनों पे सेम चार्ज होगा तो फिर केवीएल लेंगे, फिर सी पे 0 है और डी पे पोटेंशियल अपन को पता है 20 है, नहीं ठीक नहीं है। नहीं दोबारा बोलो आप कैसे करोगे। हाँ ये देखो ध्रुव सही कह रहा है, सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना अपने आप, सी हाँ सर इक्विवेलेंट सी निकाल इक्विवेलेंट, लेंगे और हाँ वी सर डी, सी भी हो वी डी जाएगा, माइनस वी सी आप निकाल सकते हैं इधर से, यही कह रहे थे ना आप भी। हाँ सर मैं यही कह रहा था, बीडी माइनस बीसी निकालेंगे ओके तो ओके गुड गुड, मैं भी ये नहीं, केवीएल हाँ बिल्कुल, केवीएल से वी डी माइनस वी सी कितना हो जाएगा, आई लगाएंगे। इंटू आर। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो चार्ज तो आ ही गया ना बेटा, सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, निशान बताइए इसमें गलती तो नहीं करते हैं आप इस तरीके से, नमस्कार, बताइए। ये तो आ गया था। हाँ सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका दोनों पे चार्ज हो जाए, तो इस पर आपको चार्ज पता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, क्यू बाई सी। तो बस आ गया ना आपका वी डी माइनस वी ए आ गया, वी डी माइनस वी बी आ गया, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कुछ करो जो भी, वी डी को हटा दो, तो बचा हुआ क्या रहेगा आपके पास, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस ही रहे। तो इसमें किसी को डाउट आता है कि बेटा काफी सिंपल है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लापरवाही बहुत ज्यादा नहीं की जाए तब तक इसमें गलती होती ही नहीं, ठीक है ना। एट स्टेडी स्टेट देयर विल बी नॉट बी एनी करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच, तो करंट लिख दिया आपने 2 एम्पियर, डी से लेकर बी से लेकर सी तक केवीएल लिख दिया मैंने, तो अपने आप ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आपको, ये क्या कर दिया, वी डी माइनस वी सी होगा ये ना ये वी डी माइनस वी सी होगा आपका 10 × I कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया वी डी माइनस वी सी। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना हो जाएगा, सी इक्वेलेंट इंटू वी, तो 4 और 4/3, अभी आपने 1 निकाला था रेजिस्टेंस, यहाँ पे सीरीज में है तो वही करेंगे आप, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 1 माइक्रोफेरेड इक्वेलेंट आई, ठीक है ना, 1 माइक्रो, हाँ 7, देखो आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका कितना आएगा ये, 1 × 20, 20 कूलॉम आ गया, 20 माइक्रो कूलॉम आएगा शायद, बताइए माइक्रो फैरेड में है ना, तो ये मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता हूँ, मैं हमेशा से करता है, लेकिन बट आपको एग्जाम देना है, मुझे बिल्कुल नहीं देना है, तो आप ध्यान रखिए मेरे गलती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं करनी, नहीं तो एग्जाम में ये ऑप्शन तो मिलेंगे ही कूलॉम वाले, ठीक है ना, माइक्रो फैरेड में होती है, मेरे से तो कभी भी याद नहीं होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, माइक्रो कूलॉम में आ गया। तो वी ए माइनस वी सी कितना हो गया आपका, वी ए माइनस वी सी, ये तो आपने लिखी दिया 20/C, वी ए माइनस वी सी, ठीक है ना, वी ए माइनस वी सी, या वी सी में कहाँ पे है वी सी, अच्छा मैं ऐसे दिखा है क्या, वी सी माइनस वी बी और वो लिख लिया मैंने, कैसे भी कर लो आप, डी से भी कर सकते हो, मैं आपको ऐसे बता रहा था, इसमें मैंने ऐसे कर लिया, वी सी माइनस वी ए या वी सी माइनस वी बी, आप हर तरीके से कैपेबल है सब कुछ करने के, जो आपका मन करे वो कर ले, ठीक है ना। अब इसमें से सी को एलिमिनेट कर दो आप, तो आपका वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट आ, ठीक है, काफी सिंपल कहानी आएगी नहीं बेटा आरसी सर्किट की, तो ये टॉपिक है बता रहा हूँ पूरे कैपेसिटर का, बहुत ही अच्छा भी लगता है, कैलकुलेटिव है, वही तो आता है हमको, कैलकुलेशन भी तो आती है, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेटर है और ज्यादा भी नहीं है, कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं बहुत लंबी होती।